नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयल कंपनी की डबल स्टार कीटनाशक की विशेषताओं के बारे में। जी हां किसान भाइयों, जानेंगे इसके टेक्निकल के बारे में, बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन की, कौन कौन सी मुख्य फसलों पर हमें सोयल कंपनी डबल स्टार कीटनाशक के छिड़काव को रिकमेंड करती है, इसके साथ साथ जानेंगे कौन कौन से कीटों को यह नियंत्रित करता है, बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो किसान भाइयों वीडियो एकदम छोटा होने वाला है, वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और सारी जानकारी हासिल करें। किसान भाइयों सोयल कंपनी का जो डबल स्टार कीटनाशक है यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, यानी कि किसान भाइयों विभिन्न प्रकार के कीटों को एक साथ काफ़ी इफेक्टिव तरीके से नियंत्रित कर लेता है। बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो किसान भाइयों इसमें हमें दो टेक्निकल्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पहला है क्लोरोपाइरीफॉस जो कि 50% में देखने को मिलता है, और दूसरा है साइपरमेथ्रिन जो कि 5% ईसी यानी कि किसान भाइयों इमल्सिफाइबल कंसेंट्रेट फॉर्म में हमें, लिक्विड गाढ़े फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो कॉन्टैक्ट एंड स्टमक एक्शन के हिसाब से यह अपना काम करता है। बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलों पर हमें सोयल कंपनी डबल स्टार कीटनाशक के छिड़काव को रिकमेंड करती है। तो मुख्य रूप से हम इसका छिड़काव किसान भाइयों कपास और धान की फसल पर करते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें डबल स्टार कीटनाशक के देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से कीटों को यह नियंत्रित करता है। तो मुख्य रूप से जितने भी जो चबाने वाले और जो रस चूसक कीट होते हैं किसान भाइयों उनको काफ़ी अच्छे तरीके से डबल स्टार कीटनाशक नियंत्रित कर लेता है, जैसे कि एफिड्स, वाइट फ्लाई, जेसिड, थ्रिप्स, स्पॉटेड बॉलबॉम, अमेरिकन बॉलबॉम, पिंक बॉलबॉम के साथ साथ स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर जैसे कीटों को काफ़ी अच्छे तरीके से नियंत्रित करता है। कहना चाहिए किसान भाइयों जो भी रस चूसक कीट होते हैं और जो भी चबाने वाले कीट होते हैं उन दोनों को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से डबल स्टार कीटनाशक नियंत्रित कर लेता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो किसान भाइयों 300 से 400 ml प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों अनुमानित डोज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसान भाइयों फसलों की स्टेजेस के हिसाब से हमें दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। तो ध्यान में आपको ज़रूर ये रखना है जब भी आप किसी भी दवा का परचेज कर रहे हैं तो दुकानदार से दवा के बारे में जानकारी और डोज के बारे में कंसल्ट करना ना भूलें। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।